ब्रह्मनारायण श्रद्धालुओं, भक्तों, साधकों, मैं हूं महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी आयुर्वेदाचार्य, आपके सामने प्रस्तुत हूं भक्तों के विशेष आग्रह से एक अनोखे दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, जिससे आपका जीवन दीर्घायु होगा, आप हजारों बीमारियों से बचेंगे। विषय है अध्यात्म आयुर्वेद। अधिधनात्म अस्तु अध्यात्म, आयुधन वेद अस्तु आयुर्वेद। आज हमसे लोग आकर कहते हैं, स्वामी जी बड़ी वेदना है। वेदना का मूल कारण आपको पता है? आपके जीवन में वेदों का अनुकरण नहीं है, इसीलिए आपके हृदय में वेदना है। अगर इस वेदना को दूर करना है तो सबसे पहले आपको वेद लेना, वेदों का अनुकरण करना पड़ेगा। नहीं तो दशा ऐसी हो जाती है। एक सज्जन से हमने पूछा कि आपके घर में गीता है? बोले मेरे दादाजी रखते थे। बोले आप क्या करते हो? उन्होंने दादाजी ने मेरे पापा को दिया। क्या करते हो? पापा ने हमको दिया। ओ भैया, दिया सही है, लेकिन करते क्या हो? बोले आश्रम जाते हैं, कार्य के लिए जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो उसका मत्था टेक के वंदन करके जाते हैं। क्या लाभ हुआ? बोले जी हमारे घर में बहुत सारी सुमति है, शुद्ध व्यवस्था है, पारिवारिक मिलाप है। मेरे भाई, इसे देखते ही रहोगे, पढ़ोगे कब? अगर इसे देखने से इतना लाभ है तो पढ़ने से कितना लाभ होगा? तो पहले तो हम आपको बता दें, खास तौर से वो लोग जो एंजाइटी से पीड़ित है, मानसिक तनाव में है, वो खाली गीता का पाठ करें और उसके जीवन में उतार लें। क्योंकि द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने अर्जुन को मलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दी थी, कला कौशल सिखाया था, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया था। हर कोई व्यक्ति आकर कहे कि स्वामी जी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, मिलता है। आप एक बार गीता को पढ़िए, 5002 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हर प्राणी मात्र के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आप उसे जीवन में उतारिए। गीता शब्द कहने में बड़ा साधारण है, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का हर व्यक्ति अगर गीता को पढ़े और उसके हिसाब से अपने आप को संयमित जीवन में उतार कर करने लगे, तो वास्तव में ये राष्ट्र जो है ना, फिर से सतयुग की ओर चल पड़ेगा। और विश्वगुरु तो भारत था, है और रहेगा भी। कुछ मूर्ख कहते हैं विश्वगुरु बनाओ, गुरु बनाया नहीं जाता, इसे तो मानने की जरूरत है, जो सदैव ग्लोबल में भारत को माना जाता है। भारतीय संस्कृति की परंपराओं के आधार से आते हैं तो हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आप लोगों को बड़े अच्छे से स्मरण होगा, खेत में पैर में जख्म हो जाता था तो मिट्टी का लेप लगा देने से वो जख्म भर जाता था, ब्लड रुक जाता था। ये ताकत सिर्फ भारत की धर्म है, अमेरिका में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं है, न्यूजीरिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, सिर्फ भारत की भूमि में वो सुगंध है। हम आयुर्वेद पे आ रहे हैं, आयुर्वेद की वनस्पतियों के प्रकार बताते हैं। वनस्पति चार प्रकार के हैं। पहला देव वनस्पति और तंत्र वनस्पति और आरोग्य वनस्पति और नवग्रह वनस्पति। जैसे केले का वृक्ष है, ये नवग्रह वनस्पति है। ऐसे मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी बता दें, अगर किसी गरीब का गुरु निम्न भाव में है, पुष्कराज पहनने के लिए ज्योतिषी ने बताया, अगर उसके पास पुष्कराज के लिए धन नहीं है और अगर वो केले की जड़ को समय से आवाहन देकर सिद्ध करके धारण करे तो वही फल मिलता है जो पुष्कराज धारण करने से मिलता है, इसलिए हम इसे नवग्रह वनस्पति कहते हैं। हमारी राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये सिंदूर का वृक्ष है, इसको भी हम देव वनस्पति कहते हैं। बाएं तरफ में देख रहे हैं आप, जहाँ ये अडुलसा का वृक्ष है, इसे हम आरोग्य वनस्पति कहते हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जानकारी आपको देंगे। याद रखें, भारतीय धरा पर उत्पन्न हुआ एक एक वृक्ष अपने आप में औषधि है। निर्भर हमको ज्ञान नहीं है, जैसे आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है गर्मी में, आपके पास कोई पैसे नहीं, आप गरीब हैं, गुलाब के फूल को फूटेंगे, उस कार्क नाक में दो दो बूंद डालेंगे, आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और डॉक्टर इस चीज़ के लिए आपसे हजारों रुपए ले लेगा, लेकिन ऐसे का फायदा नहीं होता है। आयुर्वेद से अध्यात्म का, ज्योतिषी का गहन मित्रवत व्यवहार है।
आयुर्वला यशोवर्चा प्रजा पासूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञामनो देही तम देही वनस्पति स्वभाव से कार्य करना चाहिए। आयुर्वेद ही आपकी आयु को बढ़ाता है, बाकी जितनी भी मॉरल मेडिसिन है वो आपकी आयु को घटाती है। थोड़ा अटपटा लगा हूँ। आपके बॉडी के एट मिनरल्स जो जनरेशन दे सकते हैं, क्या वो जनरेशन आपको बाहर से एक्सटर्नल जो एंटीबायोटिक दी जाती है, स्टीराइड दी जा सकती है, ब्लड देते हैं, फ्लेटलेट्स देते हैं, उनका कोई लाभ है? आपको वो दवा देते ही नहीं है, आपको ड्रग्स देते हैं। और उस ड्रग्स का जैसे ही पावर ख़त्म होता है, आपकी बॉडी डिमांड करती है डिवाइन ड्रग्स। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में किसी भी औषधि का जब हम स्वाध्याय करते हैं, उसके रासायनिक गुणों को देखते हैं या संस्कृत में उसके उच्चार करते हैं, तो हम उसके साथ एक शब्द का उच्चारण करते हैं जिसे हम कहते हैं ओम। कहने के लिए ओम छोटा शब्द है, लेकिन इसमें तीनों शक्तियां समाहित हैं। इसमें प्रकृति और पुरुष समाहित है, इसमें प्रकृति और पुरुष समाहित है, इसमें शिव समाहित है, इसमें शक्ति समाहित है। मात्र आधा घंटा रोज मौन बैठ करके अगर आप ओंकार की नाद लगाते हैं, ओंकार का जप भी करते हैं, तो 22 प्रकार की बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। ये हमारे ऋषियों का रिसर्च है, क्योंकि अगर भारत में ऋषि नहीं होते तो रिसर्च होता ही नहीं। हमारा सनातन त्रिविध है, इसमें हर प्रकार की जानकारी है। इसमें बॉटनिकल नॉलेज है, इसमें रासायनिक नॉलेज है, इसमें केमिकल नॉलेज है, इसमें सारी कुछ चीज़ों का नॉलेज है। निर्भर करता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हो उसका अध्ययन कैसा है और उसने उसकी शुद्धता कैसे की है। ओंकार की नाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रोज़ 20 मिनट 10 मिनट दोनों समय लगाए आप काफ़ी रोगों से मुक्त होंगे। फेफड़े की बीमारी चली जाएगी, हृदय की बीमारी चली जाएगी, माइग्रेन चला जाएगा, अर्धा सीसी चली जाएगी, अनेक बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए निवेदन रहेगा कि हर व्यक्ति कम से कम आधा घंटा ओंकार की नाद अवश्य लगाए। अब आते हैं हम सूर्य की किरणों के बारे में, सनलाइट रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। नेत्रों की ज्योति चली जा रही हो, चश्मे आपके लग गए हो, आप खाली खाली ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय इस अंगूठे पे प्रभाव डाल करके इस मुद्रा में जल चढ़ाएंगे। ऐसा जब आप ऐसे जल चढ़ाएंगे तो वो जो जल की धारा गिरती है उसके अंदर से आप सूर्य को एकाग्र करके एक दृष्टि से देखते रहिए। उससे जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन आएगा उससे आपके नेत्र ज्योति सही हो जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। अब है नहीं आयुर्वेद और अध्यात्म का अनोखा संगम, क्योंकि हमारे परोक्ष और अपरोक्ष देवी देवता माने जाते हैं। किसने कहा मंत्रों से शक्ति नहीं होती है? हमारे ऋषियों ने वायुगमन किया है मंत्र शक्ति से, हमारे ऋषियों ने अपने आप को दीर्घायु बनाया है आयुर्वेद की शक्ति से। एक छोटा सा उपमा दूंगा, उसके बाद अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। महर्षि चमन के बारे में आपने सुना होगा, जिनके नाम से सारे भारत में चमनप्राश बनाए जाते हैं अष्टांग योग से। महर्षि चमन की अवस्था 112 साल थी, ध्यान समाधि में बैठे थे, उनके वृक्ष उग गए थे, उनके शरीर के ऊपर झाड़ियाँ आ गई थी, एकाग्र साधना कर रहे थे। एक राजकुमारी आती है, उत्सुकता बस देखती है ये क्या है, और उनके नेत्रों में बच्चों की आदत होती है छेड़ने की। राजकुमारी ने उनके दोनों नेत्रों में सुई चुभा दिया, रक्त स्राव होने लगा। चमन ऋषि का ध्यान टूटा और उन्होंने कहा बच्चे ऐ मात्र शक्ति, आज तूने मेरे नेत्रों को खो दिया तो अब तुझे पूरा जीवन मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी सेवा देनी पड़ेगी। उस राजकुमारी ने कहा महाराज आप 108 वर्ष के हैं, मेरी अवस्था 22 वर्ष है, कैसे संभव है?
मैं ऋषि चमन ने कहा, हम संत हैं, हम ऋषि हैं, हम अपने आप को इच्छा मृत्यु तक अगर ले जा सकते हैं तो हम अपने आप को युवा भी बना सकते हैं। ये आयुर्वेद की क्षमता थी। और वहीं पर महर्षि चमन ने अष्टांग योग से चमन प्रास बनाया और उसे खा करके वो पुनः युवा हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। ये कोई बात नहीं, वाहौतिकता नहीं है, प्रामाणिकता के साथ है। आयुर्वेद में इतनी क्षमता है कि अगर एक वृद्ध को युवा बना सकता है, एक मरने वाले को भी क्षण भर के लिए जिंदा दे सकता है। आप हमारे साथ हिमाचल में चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे, हमने खुद अनुभव लिया है। एक मछली के आप चार टुकड़े कर देना, सिर्फ एक वृक्ष के ऐसे हम पत्ते तोड़ेंगे और उसका अर्क उसके एक शरीर पे लगा देंगे तो भी वो 3 घंटे तक कूदते नहीं रहेगा, मृत्यु उपरांत भी वो धड़ कूदता रहेगा। इतना इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी हमारी आयुर्वेद में है। लेकिन दुर्दैव है भारत का दुर्दैव है कि भारतीय योग्यता विद्वता की कदर नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ फिर से युग बदलने वाला है, कुछ ही वर्षों में भारत में आएगा सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद का युग। नहीं रहेंगे ये मॉडर्न मेडिसिन, नहीं रहेंगे ये होम्योपैथ, नहीं रहेंगे ये मेडरीन थेरेपी, आएगा तो सिर्फ आयुर्वेद का युग आएगा। आपको दीर्घायु होना है तो प्राकृतिक वनस्पतियों से और प्रकृति से जुड़ करके चलना सीखें, यही मेरा निवेदन है। बाकी शेष जानकारी के लिए हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। नमोनारायण।